गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में राजनीतिक भूगोल में जनसंख्या और सांस्कृतिक तत्व टॉपिक स्टार्ट किया था, और उसमें हमने बात करी थी जनसंख्या के बारे में। हम बात कर रहे थे आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए जनसंख्या संक्रमण मॉडल जो है उसके बारे में बात करते हैं। ये आप लोगों को ये डायग्राम जो दिख रहा है, इसमें अगर हम देखें तो ये जो क्षैतिज लाइन है हॉरिजॉन्टल, ये समय को दर्शा रही है, और ये जो वर्टिकल लाइन है ऊर्ध्वाधर लाइन, ये जन्म और मृत्यु दर को दिखा रही है। ठीक है, तो एक देश में समय के साथ जो जनसंख्या वृद्धि होती है उसे जनसंख्या संक्रमण मॉडल के द्वारा दर्शाया जा सकता है, जिसे कि हम निम्न चार अवस्थाओं में बांटा गया है जिसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें ये पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, चौथी अवस्था। तो ये वाला जो कर्व है ये मृत्यु दर को दर्शा रहा है। ठीक है, कि शुरू में तो क्या होता है, पहली अवस्था में मृत्यु दर जो होती है वो अधिक होती है, लेकिन धीरे धीरे चिकित्सकीय सुविधाओं में विकास और वृद्धि होने से मृत्यु दर कम होती होती यहाँ पर कम हो जाती है। और ये वाली जो लाइन है ये जन्म दर को दर्शा रही है। अगर हम प्रथम अवस्था में देखें तो यहाँ पर जन्म दर जो है वो अधिक है, और वो इस तरह से धीरे धीरे फिर कम होती हुई यहाँ पर आती है। और ये फिर इसकी दूसरी अवस्था, ये तीसरी अवस्था और ये चौथी अवस्था, जिनके बारे में हम एक एक करके अब बात करेंगे। तो पहली जो अवस्था है उसमें क्या होता है, अभी मैंने जो आप लोगों को डायग्राम दिखाया अगर उस पर हम ध्यान दें तो पहली अवस्था में जन्म और मृत्यु दर जो है वो दोनों ही अधिक होती है, और जनसंख्या वृद्धि नगण्य के बराबर होती है या कम होती है, नहीं के बराबर होती है। ठीक है, लेकिन ऐसी अवस्था इतिहास का उदाहरण है, वर्तमान में कोई भी देश इस अवस्था में नहीं है। ठीक है, दूसरी जो अवस्था हमने देखी उसमें जन्म दर तो अधिक थी, ऊपर जो कर्व जा रहा था, लेकिन मृत्यु दर जो है वो घटती है। इधर आप अगर देखेंगे तो ये दूसरी अवस्था जो है इसमें जन्म दर तो ये ऊंची ही है, लेकिन मृत्यु दर जो है वो कम होती है। तो इसमें क्या होता है, दूसरी अवस्था में तेजी से जनसंख्या वृद्धि होती है, और अधिकांश विकासशील देश जो है वो इस अवस्था में है। तीसरी जो अवस्था है वो इन देशों में क्या होता है कि मंद गति से जनसंख्या वृद्धि होती है, मंद दर से जनसंख्या वृद्धि होती है, और जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम होते जाते हैं। इसका उदाहरण हम संयुक्त राज्य अमेरिका को ले सकते हैं, वो तीसरी अवस्था में है। चौथी अवस्था जो है वो स्थिर जनसंख्या की अवस्था कहलाती है। इसमें क्या होता है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम होने से वास्तविक वृद्धि दर जो है जनसंख्या की वो बहुत कम होती है। इसके अंतर्गत यूरोप के जो देश है जैसे स्वीडन, ग्रेट ब्रिटेन और कुछ अन्य यूरोपीय देश शामिल है। तो ये तो बात हुई जनसंख्या संक्रमण मॉडल की। अब हम बात करते हैं जनसंख्या के अंतर्गत नेक्स्ट जो इसका भाग है वो जनसंख्या का स्थानांतरण। तो जनसंख्या स्थानांतरण क्या होता है कि लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना, ठीक है, या आना। ठीक है, अगर लोग एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान में जाते हैं तो वो प्रवास आप्रवास कहलाता है, और अगर लोग बाहर से किसी क्षेत्र विशेष में आते हैं तो वो आप्रवास कहलाता है। ठीक है, तो जनसंख्या स्थानांतरण का प्रभाव भी जनसंख्या वृद्धि और राजनीतिक दशाओं के ऊपर बहुत अधिक पड़ता है। मानव का इतिहास जो है वो स्थानांतरण के द्वारा चिन्हित है। इसमें क्या है कि ये सघन बसे हुए क्षेत्रों से अल्प बसे हुए क्षेत्रों को, कम संसाधन युक्त क्षेत्रों से अधिक संसाधन युक्त क्षेत्रों को, उपद्रव और आक्रमण वाले क्षेत्रों से, यानी कि जहां पर अशांति का वातावरण है वहां से शांति युक्त क्षेत्रों को हुआ है। ऐसा प्रोफेसर पाउंड ने कहा है कि
स्थानांतरण मनुष्य उन क्षेत्रों की ओर करता है जहां पर उसको विकास की, उसको जीने की उपयुक्त और अनुकूल दशाएं उसे दिखाई देती हैं, तो वो उन क्षेत्रों को स्थानांतरित होता है। स्थानांतरण जो है वो सबसे अधिक हुआ है यूरोपीय देशों से। स्थानांतरण की प्रक्रिया में जल परिवहन के विकास ने एक नए युग का सूत्रपात किया। जनसंख्या का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण जो है वो राज्य की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दशाओं को बहुत अधिक प्रभावित करता है। इसीलिए स्थानांतरण क्षेत्रीय और विश्व राजनीति दोनों को प्रभावित करता है। स्थायी स्थानांतरण जो है वो आप्रवास और उत्प्रवास वाले दोनों ही क्षेत्रों पर प्रभाव डालता है। ठीक है, आप्रवास से मतलब है कि बाहर के क्षेत्रों से लोगों का किसी क्षेत्र विशेष में आना, तो वो उस क्षेत्र में क्या कहलाएगा? आप्रवास। अगर किसी क्षेत्र विशेष से लोग बाहर की ओर जाते हैं, दूसरे क्षेत्रों की ओर जाते हैं, तो वो कहलाता है उत्प्रवास। तो अगर स्थायी स्थानांतरण होता है, लोग परमानेंटली उन दूसरे क्षेत्रों को प्रवास करते हैं या दूसरे क्षेत्रों से मतलब आकर के किसी क्षेत्र विशेष में रहते हैं, तो उसका प्रभाव जो है वो दोनों ही क्षेत्रों पर बहुत अधिक होता है। जैसे अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो यूरोपीय देशों के जो लोग हैं उनका नॉर्थ और साउथ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में स्थायी प्रवास होना, जिससे दोनों ही देशों में बहुत अधिक परिवर्तन हुए, परिवर्तनों ने जन्म लिया। अगर आप ये मैप देखेंगे, वर्ल्ड मैप, तो इसमें ये यूरोप, ठीक है, ये यूरोप से उत्तरी अमेरिका को प्रवास, ये दक्षिणी अमेरिका को प्रवास, ठीक है, ये इधर एशिया की ओर प्रवास, ये पूर्वी एशिया से यानी कि चीन और समीपवर्ती क्षेत्रों से ये प्रशांत महासागर होते हुए प्रवास हुआ अमेरिका की ओर। दूसरा, यूरोपियंस ही यहां से इधर दक्षिणी अफ्रीका की ओर और इधर ऑस्ट्रेलिया तक आए, और यहां से जो भारतीय लोग हैं वो इधर दक्षिणी अफ्रीका की ओर, इधर दक्षिण पूर्वी द्वीप समूह की ओर इनका भी प्रवास हुआ है। ठीक है, तो अगर प्रवास स्थानांतरण जो है वो स्थायी रूप से होता है तो वो बहुत अधिक प्रभाव डालता है आप्रवास और उत्प्रवास वाले दोनों ही क्षेत्रों को। तो अगर हम यूरोपीय लोगों का स्थानांतरण की बात करते हैं तो इनका स्थानांतरण जो है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो शोध काल से प्रारंभ करके विश्व के विभिन्न भागों में यूरोपीय लोगों ने जाकर के बसाव किया है, और उपनिवेशवाद के प्रारंभ के साथ यूरोपियन लोगों का स्थानांतरण जो है वो और अधिक तीव्र हो गया। ठीक है, यूरोप को अगर हम देखें तो वो एक छोटा महाद्वीप है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे नंबर का छोटा महाद्वीप है। तो और वहां पर जनसंख्या उस समय बहुत अधिक थी, तकनीकी ज्ञान उनका बहुत अधिक था। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा कि विश्व के अन्य जो कम विकसित देश थे वहां पर, और संसाधन प्रचुर मात्रा में थे, तो यूरोपियन देशों ने क्या करा कि उन संसाधन संपन्न क्षेत्रों में अपने उपनिवेश स्थापित किए और वहां वो लोग गए। ठीक है, कुछ प्रदेशों में वो लोग स्थायी रूप से बस गए, और कुछ उपनिवेशों में जब लड़ाई मतलब स्वतंत्रता के लिए संग्राम हुए तो उन लोगों को वो छोड़ करके भी आने पड़े। और जिन प्रदेशों में जलवायु मुख्य रूप से यूरोपियन लोगों के रहने के अनुकूल थी, वहां पर तो वो लोग स्थायी रूप से बस गए, और जहां की जलवायु उनके लिए मतलब अनुकूल नहीं थी वहां पे उन लोगों ने उपनिवेश स्थापित की, और फिर वो लोग बाद में अपने देशों को वापस भी आ गए। तो यूरोपियन स्थानांतरण की जो श्रेणियां, इनको हम कुछ श्रेणियों में बांट सकते हैं यूरोपियन स्थानांतरण को। इसमें सबसे पहले है वे देश जहां पर यूरोपीय बसाव जो है वो प्रमुखता में था, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना आदि। वर्तमान में ये देश स्वतंत्र देश है, किंतु यूरोपियन लोग जो हैं वो यहाँ पर आज भी प्रमुखता से निवास करते हैं। दूसरी श्रेणी में आते हैं यूरोपियन और एवं स्थानीय जनसंख्या सम्मिश्रित वाले लोग, जैसे कि लेटिन अमेरिका और अफ्रीका के कुछ देश इसमें शामिल हैं। तीसरी श्रेणी में वे देश आते हैं जहां पर यूरोपीय शासक अल्पमत में रहे, और उत्तरी अफ्रीका में जैसे फ्रेंच और दक्षिणी अफ्रीका में ब्रिटिश स्थानांतरण का यही उद्देश्य था। दक्षिण अफ्रीका में आज भी ब्रिटिश लोगों
ही स्थानीय लोगों पर शासन करते। चौथा वर्ग में वो देश आते हैं जो यूरोप के लोगों के द्वारा शासित हैं, किंतु वहां पर उनका बसाव नहीं हुआ। अनेक एशियाई और उष्ण अफ्रीका के उपनिवेश जो हैं वो इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। यूरोपीय लोग यहाँ शासन करने आए और फिर चले गए। तो विश्व में सबसे वृहद स्थानांतरण जो है वो यूरोप में श्वेत जनसंख्या का हुआ है, और अमेरिका यानी उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के लिए हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व यूरोप में ग्रामीण जनसंख्या का औधिक्य प्रदेशों की और आंतरिक स्थानांतरण की प्रवृत्ति भी अधिक रही, और बड़ी संख्या में इटली, स्पेन और पूर्वी यूरोप के निवासी फ्रांस और जर्मनी के औद्योगिक क्षेत्रों में जाकर बस गए। ठीक है, स्थानांतरण की दूसरी प्रक्रिया दबाव के कारण हुई, और यूरोप में 1949 से प्रारंभ होकर द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के साथ ये स्थानांतरण और अधिक तीव्र हो गया। इसमें पूर्वी और मध्य यूरोप के देश अधिक प्रभावित हुए। जैसे कि अगर हम जर्मनी के लोगों का अन्य देशों से पश्चिम जर्मनी में आना, जर्मनी से यहूदियों को निकालना और इसराइल के रूप में एक नए राष्ट्र का निर्माण करना, वो इसी का परिणाम था। अब हम बात करते हैं शहरी जनसंख्या की। ठीक है, तो वर्तमान नगर आर्थिक सामाजिक केंद्र के साथ साथ राजनीतिक गतिविधियों के भी केंद्र है। ग्रेट ब्रिटेन की लगभग आधी जनसंख्या जो है वो 6 बड़े शहरों में रहती है। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के पश्चात शहरों में अधिक जनसंख्या आगमन से शहरों में अनेक समस्याएं उत्पन्न होने लगी। शहरीकरण के राजनीतिक प्रभाव भी पड़ते हैं। जैसे इसमें पहला, हवाई युद्ध एवं आधुनिक अस्त्रों के प्रयोग के कारण शहर आक्रमण से असुरक्षित हो गए, जैसे कि हिरोशिमा नागासाकी में हुआ, हम सभी ने देखा मतलब सुना है उसके बारे में। दूसरा, शहरों में क्या होता है कि अत्यधिक जनसंख्या का दबाव होने से बहुत अधिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि आवासीय स्थान की कमी हो जाती है, प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ जाता है, पेयजल की दिक्कत उत्पन्न हो जाती है, परिवहन के साधनों में भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो शहरों में जनाधिक्य के कारण उत्पन्न हो जाती हैं। आर यू स्ट्रीम क्या है कि जनसंख्या का शहरों की ओर निरंतर प्रवास प्रभाव जो है प्रवाह जो है, इस कारण शहर जो है वो राजनीतिक जागृति और गतिविधियों के केंद्र बन जाते हैं। शहरों को राज्य का नर्व सेंटर की संज्ञा भी दी जाती है। शहरों का प्रशासनिक महत्व भी अधिक होता है। राजधानी राज्य के जीवन में प्राण की भांति महत्वपूर्ण होती है, जिसके पतन से राज्य का भी पतन जो है वो माना जाता है, यानी कि राजधानी का राज्य विशेष में बहुत अधिक प्रशासनिक राजनीतिक महत्व होता है। आज के लिए इतना ही। इसी टॉपिक को कल हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक थैंक यू।